इस एपिसोड में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ओवरऑल टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, वीक दिख रहा है, लेकिन बाजार में एक बड़ा रिवर्सल आज हमने देखा, जिसके कारण इस स्टॉक में भी एक तेजी दिखी। तो आगे के टेक्निकल ट्रेंड और न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहाँ एक आज बड़ी खबर दिखी। बड़ी खबर क्या दिखी कि लगभग लगभग 11 लाख शेयर, कितने शेयर, 11 लाख शेयर आज जो है वो एक एक्सचेंज होते हुए दिखे, जो कि लगभग टोटल इक्विटी का 0.02% होता है। लगभग जो प्राइस रहे थे 83.15 रुपीज रहा था, और बायर्स और सेलर जो है वो सेलर्स नोन इमीडिएटली, यानी वो कौन लोग हैं ये अभी उजागर, यानी जो है आगे एक्सपोज होते नहीं दिखा है। आज के टेक्निकल ट्रेंड में वॉल्यूम बढ़ा रहा था, ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग रहा, हालांकि डिलीवरी तो इस स्टॉक की बेटर दिखती है, लेकिन जो ट्रेंड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अभी भी वीक है और पिछले 6 महीने से अंडर परफॉर्म है। अब मैं एक बार चार्ट को दिखाऊं, जब भी टेक्निकली स्टॉक इस प्रकार के लोअर लो लोअर हाई के ट्रेंड में बनता है तो रिवर्सल इसी प्रकार से दिखता है। लेकिन अगर इस रिवर्सल को आपने लॉन्ग के थ्रू ट्रेड लिया है तो मुझे लगता है कि 77-78 के एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मैक्सिमम ये ट्रेंड आपको 90-92 तक का ये लेवल दिख सकता है। रियल रिवर्सल 92 के ऊपर ही होगा, और इधर लोअर साइड मुझे लगता है कि 71 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इसीलिए अगर लॉन्ग करते हैं तो एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, थोड़ा इस समय लॉन्ग साइड को